सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो कल हमने पैटियो तो बना लिया था लास्ट वीडियो में, रात के 10:30 बज गए थे बनाते बनाते, इतनी लेट हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो बैठना तो दूर की बात है, हम खाना बनाने के लायक भी नहीं थे। तो उसके बाद आज सुबह हो चुकी है, तो गुरु साहिब जी के साथ जो मैंने प्रॉमिस किया था कि वो आलू के परांठे खाने जाते हैं, वो उस पैटियो पे बैठ के, सो आई एम प्रिपेयरिंग दैट। मैंने आलू जो है प्रॉपर मैश तो कर लिए हैं, बस अब तैयारी करेंगे आलू के परांठों की। और आज है संडे तो मज़ा ही आ जाने वाला है। तो मुझे प्याज काटना बहुत गंदा लगता है, आंसू आ जाते हैं, फिर कोल्ड सा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है सैटरडे, छुट्टी वाला दिन है। जैस्मिन जी की भी छुट्टी आज, ये मेरे तो एक हफ्ते से छुट्टी चल रही है। ठीक है, आज हमारा इवेंट भी है। हाँ, आज हमारा इवेंट है, उसमें आपको लेके चलेंगे। मतलब मैं आपको लेके चलूंगा, मेरे को नहीं लेके चलूंगा। गाइस को कह रही हूँ। और भाई साहब, आलू के परोठों की तैयारी हो रही है, कुछ हेल्प चाहिए बताओ यार। हेल्प ये चाहिए, जो मैं बर्तन धोंगी वो धो देना बस। वो मैं धो दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। आज जो मौसम है ना बाहर, आपके प्रॉपर पैटियो वाला। मैं भी बाहर गई थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, मजा आ रहा था। और कल हमारा पैटियो सेट हो गया था, यहाँ पे बैठ के खाएंगे आराम से आलू के पराठे। चाय का क्या हिसाब किताब है? चाय बनानी पड़ती है। ओके, मैं बना लूं? हाँ, इनिशिएट कर लो भाई। चाय तो बना लूंगा मैं, ये क्या हिसाब किताब है इतना सारा? अरे ये मैं डॉलरामा से लाई थी, जो हमारे मसालों वाले डब्बियां नहीं है छोटी वाली, वो ना बड़ी पुरानी हो गई है, और पता नहीं उसके जो क्या कहते हैं उसे ढक्कन है वो बंद भी नहीं होता। तो मैं इकट्ठी ले आई थी, और बहुत ही सस्ती, $1.50 ईच थी। पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा। अच्छा? तो भी मैंने धो दी थी रात को, और आज मैं सारे मसाले, हमारे मसाले दिखाती हूँ कैसे पड़े। दिखने में लग नहीं रही $1.50, नहीं लग रही। अब मैंने स्टिकर भी उतार दिया डॉलर वाला। तो हमारे मसालों का ना कुछ ऐसी हालत हुई है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। उसका रीजन यह है कि हमारे पास ये डबियां नहीं थी, तो आज मैं सेट कर दूंगी तो कल से बढ़िया हो जाएगा। तो भाई गुरु साहिब जी मेरी वीडियो देख रहे हैं हमारी, जो हमारे चैनल पे, और साथ साथ चाय बना रहे हैं। चाय बस ऑलमोस्ट डन। यदि हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर हमारा हाउस टूर देख सकते हैं। हाँ जी, और आज वक्त आ गया ये इंस्ट्रूमेंट को या ये डिवाइस को यूज करने का, या चला के देखने का चलता भी है कि नहीं। ये जैस्मिन जी लेके आई थी सेल्फ क्लीनिंग रोबोट, तो चला के देखते हैं। क्यों भाई, ये जो हिसाब किताब है तो पहले चार्ज करना पड़ेगा, इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा हुआ है। 6 घंटे लगेंगे चार्ज होने में। हाँ, और इन्होंने कहा था जब चार्ज हो जाएगा तो वापस अपनी जगह पे जाके चला जाएगा कि मैं चार्ज हो जाऊँ। यू डोंट नीड टू चार्ज ऑल दैट। हाँ, लेकिन अभी तो चार्ज करना पड़ेगा ना ऑन करने के लिए। तो चार्जिंग पे लगाते हैं। अभी घर हमें जाना है एक छोटे से इवेंट पे, तो वहाँ से आके ही इसका काम हो पाएगा। परांठे हो गए हैं रेडी, तो मैंने सोचा रख देती हूँ, गुरु साहिब जी की तैयारी कर लेती हूँ। धूप इतनी है ना, आई डोंट लाइक धूप। तो गाइज, हम अपने इवेंट के लिए तैयार हो चुके हैं, और गुरु साहिब जी, मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई है, क्योंकि जो वो माइक ढूंढ रहे थे वो पता नहीं मैंने कहाँ रख के मैं भूल चुकी हूँ। तो वो मेरे से नाराज है कि तूने क्यों घुमाए एंड ऑल, बट खैर मेरा मूड थोड़ा अच्छा नहीं है। बट स्टिल मैं आपको अपडेट देना चाहती थी कि वी आर ऑलमोस्ट रेडी एंड वी आर गोइंग टू इवेंट। अब अभी 5 बजे का इवेंट है, और हम लेट निकले हैं 4 बजे। तो पहुँच कर वहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या हिसाब किताब है। देखो गुस्से में हवा भर रहे हैं, गुस्सा देख रहे हो, नेक्स्ट लेवल है इनका। पूरे रास्ते हम एक दूसरे से बात नहीं करने वाले हैं। तो भाई जो हमारी लड़ाई हो गई थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो सुलह हो गई। बंदे को होता भी कहाँ जाना लड़के, है ना? जो है ही है। अभी सिंगल मिक्सर में जा रहे हैं, और आप भी के एज के ही हैं। 35 थोड़ी हुए यार। तो आप क्या सोचोगे 32 साल में आपको 24 साल की लड़की मिलेगी? सोच रहे टाइम पे, कॉलेज टाइम पे भी तो बेकार क्वेश्चन होते थे ना, उनका आंसर करता ही नहीं था। अभी भी वही हैबिट ऊपर करा रहा है। मेरे साथ दी तू ही है वे चल।
सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो एंड दिस इज़ नेक्स्ट डे। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, एकदम धूप शूप निकली हुई है। घर पे जाके आराम से डेक पे बैठ के खाना खुना खाएंगे, एकदम सिस्टम सेट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरे को जाना है ग्रोसरी वगैरह करने के लिए और लॉन मोअर ख़रीदना है, वो जो घास काटने वाला आता है, क्योंकि ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी अब। तो लॉन मोअर यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, मैंने देखा कनेडियन टायर पे जाके देखा था, होम डिपो पे देखा, रोना प्लस पे देखा, लेकिन इट्स लाइक 500, 600, 800 डॉलर्स तक आता है। तो एक वॉलमार्ट में मिल रहा था काफ़ी सस्ता, तो आज वो जाके देखना है, अगर बढ़िया लगा तो उसको खरीद भी लेंगे। बाकी अपना सौदा वगैरह भी खरीदना है, महीने का राशन वगैरह, तो निकलते हैं। यार ये जो हाईवे नंबर 7 के ऊपर जो ट्रैफिक होता है ना, इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर ऑफिस से आप टाइम पे निकलो ना तो ये ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, और ये बिना बात का ट्रैफिक होता है। वो जो लोग बहुत स्पीड से आते हैं, फिर एकदम स्लो हो जाते हैं, तो ट्रैफिक बिल्डअप होता रहता है, वो वाला ट्रैफिक है। आगे कोई एक्सीडेंट नहीं, नथिंग, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ट्रैफिक है ना। तो ये सीन हुआ पड़ा भाई साहब आजकल। और यार काफी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि अगर हम सिंगल है लेकिन हम किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते तो क्या हम इवेंट अटेंड कर सकते हैं? डेफिनेटली आप अटेंड कर सकते हो। हमारा जो इवेंट है, जो ब्रांड है, वो है लेट सोशलाइज। इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मल सोशलाइजिंग के लिए भी आप इस इवेंट पे आ सकते हो, नॉर्मल फ्रेंड्स बनाने हैं। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने इवेंट कराया था अभी मिसागा के अंदर 35 से 45 वालों के लिए, वो नॉर्मल मिले थे, ग्रुप बना के बैठे, बातें बूतें कर रहे, मतलब पता नहीं कौन कौन सी बातें चल रही, नेटवर्किंग हो रही, जॉब्स की भी बातें हो रही थी। तो इसको डोंट टेक इट एज ओनली अ लाइव डेटिंग इवेंट, इसको आप एक सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग, फ्रेंड्स बनाने का जरिया भी ढूंढ सकते हो। क्योंकि यार मैं जानता हूँ, आप में से आप भी जानते होंगे कि भाई कनाडा के अंदर अकेलापन यार बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी फैमिली, हमारे सारे मित्र, हमारे सारे यार, फ्रेंड्स सब हमारी होम कंट्री में रह गए हैं। तो यहाँ पे भी दोस्त बनाने हैं ना, एक सर्कल बनाना है, तो इसलिए हमने इनिशिएटिव लिया है। रिलेशनशिप हो जाए तो बढ़िया ही है, लेकिन फ्रेंड्स वगैरह ही बना सकते हो। भाई साहब जब हम नए किचनर आए थे तो इसी रोड पे ना हम इस साइड जाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि कोई स्टॉप साइन वगैरह नहीं है। लेकिन अब हमें यहाँ से लेफ्ट जाना पड़ता है, तो यार यहाँ पे स्टॉप साइन है, लोग इधर जा रहे हैं, लोग उधर जा रहे हैं, तो स्टॉप साइन से निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार। रेड लाइट होनी चाहिए थी भाई साहब, पूरे 10 मिनट हो गए हैं अभी तक स्टॉप साइन क्लियर नहीं हुआ। अब मेरी बारी आ गई। हाँ जी, तो मैं पहुँच गया वॉलमार्ट, अब अपना सारा सौदा वगैरह खरीदते हैं, राशन पानी लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। हाँ जी, तो यार सारा सौदा वगैरह ले लिया है, ये रही हमारी एक कार्ट और ये रही दूसरी कार्ट। ये वाला लॉन मोअर लिया है, इसको ट्राई करेंगे, अगर बढ़िया काम किया तो ठीक है, लेकिन रिटर्न कर देंगे वरना। बाकी ये सारा सौदा हो गया अपना, अब सारा डिक्के में डालते हैं। तो भैया लॉन मोअर अपना घर तो आ गया, अब इसको थोड़ा सा ऑन करके देखते हैं, पता नहीं चलता है नहीं चलता है, क्या काम करता है, तो बैकएड में चलते हैं, इसको ऑन करते हैं। ये सारा सामान निकला इसके अंदर से, अब देखना पड़ेगा, ये यूज़र गाइड इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरे को तो थोड़ा छोटा लग रहा है यार, मेरे को नहीं लगता इससे इतना सारा चलेगा काम, तो लेट्स सी क्या बनता है। एक छोटी सी दिक्कत हो गई है, ये मैंने असेंबल तो कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मैंने सेट कर दिया है। इस ये जो बक्सा सा है, जो भी है कपड़े का, जब घास कटेगी तो इसके अंदर सारी इकट्ठी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी है कि इसका जो प्लग है ना वो ऐसा है और ये खींचता नहीं है, इतना ही है, तो एक लंबी तार चाहिए होगी। अब मेरे पास यहाँ पे तार तो है, लेकिन ये भी मेल है, वो भी मेल है, हमें चाहिए फीमेल हिसाब किताब। अब वो पता नहीं कहाँ पे मिलेगा, वो लेके आना पड़ेगा अलग से, तो वो लेके आना पड़ेगा। अब वो लेके आएंगे, इसकी फ़ोटो खींचूंगा मैं और मैं लेके जाऊंगा होम डिपो वगैरह, देखना पड़ेगा, कल जाऊंगा, आज 8:30 बज गए हैं, भूख बहुत लग रही है, तो ये काम कल करेंगे, बाकी इस हिसाब किताब को अंदर रख देते हैं। ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, अगर घर के अंदर लॉन है, ग्रास वगैरह है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, वरना पड़ोसी वगैरह डांटेंगे, वो बोलेंगे कि भाई तुम्हारी, क्योंकि क्या होता है कि जो ज़मीन होती है वो तो कॉमन होती है, तो अगर हमारी घास में कोई दिक्कत होगी, वीड वगैरह आ जाएगी या फिर कोई भी प्रॉब्लम होगी, सॉइल ख़राब हो जाएगी, तो पड़ोसियों के भी दिक्कत आएगी। और ये भाई साहब, ये जो हमारे पड़ोसी हैं, ये तो होम इम्प्रूवमेंट वाले लोग हैं, इनका बैकयार्ड देखो कि भाई साहब एकदम ख़तरनाक, अच्छे खासे कैफ़े को फेल कर दे, तो इसलिए सीखनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें। आप में से कोई बंदा है जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, प्लीज़ कमेंट कर देना 2-4 टिप्स वगैरह, ताकि मैं उसको फॉलो कर लूँ और कोई दिक्कत ना आए। कनाडा के बारे में यार ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बढ़िया लगती है, लेकिन ये चीज़ मेरे को सबसे बढ़िया लगती है कि समर्स के अंदर अभी जो टाइम हो रहा है ना वो हो रहा है 8:41, मतलब 8:45 रखे हैं, और अभी आप दिन देख रहे हो, पूरा दिन चढ़ा हुआ है एकदम प्रॉपर तरीके से, हिसाब किताब एकदम बढ़िया हो रखा है, सामने सनसेट हो रहा है, सिस्टम एकदम सेट है, और यूट्यूब देखेंगे, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे, रिलैक्स करना है, क्योंकि ऑफिस में आज बहुत ज़्यादा काम किया। फिर जैस्मिन जी ने मेरे को ग्रोसरी करवाई है, सारा सामान लेके मैं अंदर घर रखा है, मैंने सारा सेट किया है फ्रिज के अंदर, कैबिनेट्स वगैरह के अंदर, अब थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम है, क्योंकि वीडियो मैंने अपने चैनल पे कल डाल दी थी, आज जैस्मिन जी की बारी है। तो गाइस, अब मैं थोड़ी देर पहले ही जॉब से आई थी, अभी मैंने वाटरमेलन वगैरह काटा, कल सुबह जॉब की तैयारी करी,
तो हमारा इवेंट जो था इससे पहले वाला जो आपने कल देखा, जो कल हुआ था, बहुत ही अच्छा गया, बहुत मज़ा आया, नए लोगों से कनेक्ट होकर बहुत मज़ा आया, कई लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, मतलब फ्रेंड्स जैसे बन जाते हैं। और बीइंग अ होस्ट, जब आप कोई इवेंट होस्ट कर रहे होते तो आपके पास टाइम भी नहीं होता वीडियो रिकॉर्ड करने का, तो हम इतनी ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो अगर आपको हमारी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।